नमस्कार मनीगुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। मोदी सरकार 2.0 5 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करने वाली है। इस बजट से आम से लेकर खास सभी को खास उम्मीदें भी लगी हुई हैं। आम आदमी को उम्मीद है कि इस बार बजट में टैक्स के मोर्चे पर उसे कुछ राहत जरूर मिलेगी। उम्मीद तो जताई जा रही है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिल रही छूट बढ़ाई भी जा सकती है और इसके साथ ही टैक्स फ्री आय 3 लाख रुपए तक भी हो सकती है। बजट में अगर टैक्स के मोर्चे पर ये बदलाव होते हैं तो इससे आम आदमी के लिए आखिरकार क्या क्या बदलेगा, इस बार बजट आम आदमी को कितनी टैक्स राहत दे पाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नांगिया एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर राकेश नांगिया जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राकेश जी, सबसे पहले जरा यही बताइए कि इस बार के बजट में आपको किन किन बदलावों की उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि टैक्स के मोर्चे पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल टैक्स के बारे में कह रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इन फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट पेश किया। उस इंटरिम में सबसे ज़्यादा राहत दी है उन्होंने इंडिविजुअल आदमी को, सैलरी पर्सन को दी है। उन्होंने हमारी जो बेसिक एग्जेम्पशन थी, बेसिकली जो रिबेट थी हमारी, रिबेट को उन्होंने बढ़ाकर फ्रॉम 2500 से लेकर 12500 तक ले गए। इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रिबेट के फॉर्म में थी, बेसिक एग्जेम्पशन के फॉर्म में नहीं थी। तो जिनकी इनकम 5 लाख से कम थी वो इनकम टैक्स से बाहर हो गए। उसी तरह गवर्नमेंट ने ये भी किया, जो आपकी जब इतनी बड़ी एग्जेम्पशन दी गवर्नमेंट ने, सो व्हाट हैपेंस कि क्या एक साल में गवर्नमेंट दूसरा बजट में जो बजट आ रहा है, फाइनल बजट आ रहा है, क्या उसमें भी फर्दर आपको एग्जेम्पशन देगी, क्या उसमें कोई फर्दर राहत देगी? मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट के पास इतने सीरियस चैलेंजेस हैं आज की डेट में। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी रिलीफ देने के बाद सेम फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर दोबारा रिलीफ इंडिविजुअल्स को देगी, नहीं देगी। केवल यही हो सकता है जो उन्होंने ट्विक करना होगा, कुछ स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, कुछ अलाइन करना होगा, उस सब चीज़ों को वो जरूर एड्रेस करेगी। लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन में या ATC की एग्जेम्पशन में अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो 40 से लेकर 50 ले जाएगी? इन माई ओपिनियन इट सीम्स टू बी नो। द चांसेस आर लेस और चांसेस आर रिमोट है कि हमें कोई राहत इंडिविजुअल को मिलेगी बेसिक एग्जेम्पशन में। बिल्कुल, तो बेसिक एग्जेम्पशन की उम्मीद जो है वो नहीं है, लेकिन इस बार खबरें बढ़ाई जा सकती है। ATC में जो हमें निवेश पर अब तक छूट मिलती है राकेश जी, उसमें उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये लिमिट जो है वो बढ़कर 2 लाख रुपए हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो आम आदमी के लिए तो अच्छी राहत भरी खबर है ही है और साथ ही साथ सेविंग्स को भी बढ़ावा मिल जाएगा। यस, ये भी इसलिए थोड़ी सी इसमें इसलिए क्यों होप हो सकती है क्योंकि इस हमारी ये 2014-15 में हमारी 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ATC की डिडक्शन बढ़ी थी। इसको अब 5 साल हो गए हैं। इस 5 साल में कोई मेजर चेंज नहीं आया, एक्सेप्ट 15-16 में उन्होंने पेंशन के लिए ऐड किया था 50,000 रुपये। उसके बाद इसकी लिमिट वही 1.5 लाख रुपए तक रखी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरिम बजट में भी इसको टच नहीं किया। तो इस समय गवर्नमेंट कोई भी चीज ट्विक करेगी या कोई भी टाइप की राहत देगी, गवर्नमेंट के हिसाब से रेवेन्यू प्रेशर इतने ज़्यादा हैं और क्या इसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? मेरी चाहत ये है, मेरी विशफुल थिंकिंग ये है कि इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। क्या वो करेगी इन द सेम फाइनेंशियल ईयर व्हेन द बिग रिलीफ हैज़ बीन गिवन टू द इंडिविजुअल्स, टू द सैलरी अर्नर्स? मेरे हिसाब से इस समय ट्विक ऐसी एग्जेम्पशन में नहीं करेगी क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज सीरियसली कॉम्प्रोमाइज। इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने निकल चुके हैं, आपके 9 मंथ्स है, टारगेट इज वेरी वेरी हाई और गवर्नमेंट किसी तरीके की भी रिलीफ देगी देयर बी स्लिपेजेस और उसके कॉन्सिक्वेंशियल डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस और आते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड विशफुल थिंकिंग। आई विश कि ये हो, आई विश कि राहत मिले। ये पैसा पे इन्वेस्टमेंट में भी जाता है, सेविंग में जाता है, डिमांड भी बूस्ट होती है, यू स्पेंड दिस मनी, एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो। बट इफ मैं अपने पर्सनल जजमेंट में बोलूँ, मुझे बहुत कम रिलीफ लगती है कि गवर्नमेंट इस समय टच करेगी इन व्यू ऑफ हाई प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर रेवेन्यू। लेकिन हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि Zee Business.com की एक्सक्लूसिव खबर यही बताती है कि ATC में जो अब तक आपको निवेश की छूट मिल
चलती है 1.5 लाख रुपए की वो बढ़कर 2 लाख रुपए हो सकती है और टैक्स एग्जेम्पशन जो आपको मिल रहा है फिलहाल 2.5 लाख का वो 3 लाख रुपए भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो खैर अच्छी रहेगी आम आदमी के लिए, लेकिन हम हालिया लिमिट्स की भी बात कर लेते हैं। एटीसी के तहत जैसा कि बताया जाता है कि 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, जरा इसकी भी बारीकियां बताइए कि किन किन चीजों के तहत जो है राकेश जी हमें ये छूट मिलती है, कहां कौन से ऐसे निवेश के एस्पेक्ट हैं जो इसके अंडर आते हैं। इसमें दो चीज बताऊंगा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। पहले तो मैं बंच करता हूँ कि क्या क्या आइटम एटीसी में आती हैं। वैसे लिस्ट ऑफ होस्ट ऑफ आइटम्स हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा। पहले सबसे ऊपर इज पीपीएफ, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, देन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, फिक्स डिपॉजिट अवर 5 ईयर्स, प्रीमियम पेड ऑन LIC, देन यू हैव अ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट जो होता है आपका ऑन द लोन रिपेमेंट एंड एक्सपेंस ऑन चिल्ड्रेन ट्यूशन फी। ये सब गवर्नमेंट ने बंच कर आपको 1.5 लाख की एग्जेम्पशन दी है। मुझे इसमें एक ही जो फील है कि गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस व्हाई दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट FDR अबव 5 ईयर्स। आई थिंक व्हेन यू आर यूजिंग इट एज ए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, ये 5 साल को इनको 3 साल करना चाहिए, ये मेरी राहत है, इनको ट्वीक करना चाहिए इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। और जब देखा जाए कंबाइन कर लें तो 1.5 लाख बहुत कम लगता है, इन सब चीज़ों में कंबाइन किया जाए तो बहुत कम है, राइट। बट इस समय कंबाइंड टूगेदर विद FDR, दीज आर द थिंग्स विच आर कवर्ड इन द लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज। एटीसी के तहत जो राकेश जी छूट मिलती है, क्या ये इंडिविजुअल्स को मिलती है या HUFs को भी यही छूट मिलती है? सबको मिलती है, ये इंडिविजुअल को मिलती है, नॉट नेसेसरी टू द सैलरी अर्नर। ये सब जो भी टैक्सेबल इनकम में कमा रहा है उसको, हर एक आदमी को ये छूट मिलती है। तो HUF को भी मिलेगी, बिकॉज HUF जो एक सेपरेट वो है, सेपरेट लाइक इंडिविजुअल HUF जो भी है, इन दोनों को सेपरेट मिलेगी। बिल्कुल, तो सबको जो है इस तरह की छूट जो है वो मिलती है, यानी कि जब इंडिविजुअल एवरी शेप एंड एवरी फॉर्मेट बेसिकली। लेकिन जब हम बात करते हैं आय पर टैक्स छूट बढ़ाने की, और अगर जिस तरह की हमारे भी खबरें आ रही हैं, zeebusiness.com ने जो है ये खबर दी एक्सक्लूसिव कि ये आय पर जो छूट मिलती है अब तक हमें 2.5 लाख रुपए की, ये बढ़कर 3 लाख हो सकती है, तो इससे जो है किस तरह से आम आदमी को फायदा मिल सकता है, कितना फायदा जो है, कितना बेनिफिट एक आम आदमी को हो सकता है? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर दूंगा, यू विल बी शॉक, फिर पता चलेगा जब इसको होलिस्टिकली हम एनालिसिस करें है कि किसको रात में गवर्नमेंट को क्या अफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल को क्या अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पल भी आपको बताइए। हमारे देश में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रिटर्न फाइल की उन्होंने लास्ट ईयर वॉज ऑलमोस्ट लाइक 6.85 करोड़। यू बी सरप्राइज, 2.02 करोड़ इंडिविजुअल्स हैड पेड जीरो टैक्सेस। 2 करोड़ पीपल पेड जीरो टैक्सेस, एक्चुअली देयर close to 8.6 lakhs doctors, only 50% of the doctors pay the income tax. If you use the biggest contributor are people who are paying the taxes jo 5 lakh rupaye tak ke tax pay karte, they are the biggest contributor jo government ko kitni pe pay karte taxes. Aur ek aur interesting chiz batao, keval 14,000 aadmi hain jinki income 1 crore se zyada ki hai ji. Aur last thing bataunga, there are only 4 people in this country जिनकी इनकम 100 करोड़ से ज्यादा की है। सो आप अगर ये तो होलिस्टिकली पिक्चर को देखिए कि ये इस पिक्चर के साथ, अब अगर आप इसको किसी भी स्पेस को आप बढ़ाएंगे, यू विल फाइंड जो 2.02 करोड़ हैं जो टैक्स नहीं देकर पे करेंगे और बढ़ गए तो वेयर डू वी अफेक्टेड टूडे, 1/3 मोर देन 1/3 पीपल आर पेइंग जीरो टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के लिए एक ये भी चैलेंज है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिटर्न्स, बट दे ऑल्सो वॉन्ट कि पीपल हैव टू पे सम टैक्सेस ऑल्सो। So, इस चीज को आई विल लाइक टू आप इसको व्यू पूरी होलिस्टिकली की है, एंड होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई टेक अ डिसीजन, गवर्नमेंट डेफिनेटली वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल जिनकी इनकम कम है, लेकिन आज की डेट में आप 5 लाख तक कोई टैक्स ही पे करोगे, उसके बाद आपको ATC भी है, आप 6.5 लाख तक क्रॉस कर जाओगे, तो देन आप पिछले साल से कंपेयर करोगे काफी जंप होती है, लेकिन इंडिविजुअली डिस्कस करोगे यस कम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, देन दे शुड बी अटेंडेड एंड एड्रेस सूटेबली। आम आदमी को थोड़ी बहुत जो है राहत मिलेगी, मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी सही, अगर इस तरह की खबरें जो हम दे रहे हैं, विशुअल थिंकिंग की मिलना चाहिए।
बिल्कुल, तो आम आदमी के लिए अच्छा ही हो सकता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये बजट जो है आम आदमी के लिए अच्छी खुशखबरी भी लेकर आए। खैर, अगर आपके भी मन में इससे जुड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं या फिर टैक्स की किसी और बारीकी से जुड़े अपने सवालों का आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप हमसे सीधे भी जुड़ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, ये हमारा शो इस वक्त ट्विटर और फेसबुक दोनों हमारे पेजेस पर लाइव है। आप चाहें तो वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल टाइप कर सकते हैं। राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल कर पाए। तो एक सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है राकेश जी, और उसके बाद जो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास स्वपन भौमिक का सवाल आया हुआ है मुंबई से। ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 60 साल है और इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के फायदे पर टैक्स के बारे में इनको जानना है। ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर ये निवेश को भुना रहे हैं और निवेश को भुनाने पर इनको करीब 2.25 लाख रुपया मिल रहा है तो क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यह रकम टैक्सेबल लिमिट में आएगी या उससे कम है, और अगर एक वित्त वर्ष में इसके अलावा और कोई उनकी इनकम नहीं है तो भी क्या उनको टैक्स भरना पड़ेगा? पहले देखिए, जो कैपिटल गेन है ऑन इक्विटी शेयर्स यूनिट्स और म्यूचुअल फंड्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल 10% में, उसको टैक्स लगेगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन। तो केवल आपको जो एग्जेम्प्टेड है 1 लाख तक है, 1 लाख के बाद आपको 10% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके अलावा जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख की, वो आप फर्दर ले सकते हैं। तो टेक्निकली अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, 1 लाख को तो आपको स्पेसिफिक हेड में मिलेगा, कैपिटल गेन के हेड में मिलेगा, और 2.5 लाख की आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी। तो कंबाइंड टुगेदर आपको 3.5 लाख रुपए में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आपके पास रिबेट भी है, तो वो भी आप फर्दर क्रॉस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन की कितनी इनकम है। लेकिन इस केस में अगर आपकी 1 लाख की इनकम है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो स्वपन भौमिक जी आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी तरह का इस पे टैक्स नहीं भरना होगा। एक सवाल और भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए, प्रतीक अग्रवाल का। प्रतीक अग्रवाल बताते हैं कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होना चाहते हैं। इनके पास फिलहाल जो HDFC टॉप 100 फंड इन्होंने लिया हुआ है जिसके डायरेक्ट प्लान में ये शिफ्ट होना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस पर भी उन्हें किसी तरह का टैक्स भरना होगा? आप कोई भी रिडेम्पशन करते हो और री इन्वेस्ट करते हो, रिडेम्पशन इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो द मोमेंट यू रिडीम इट, वो आपकी मैच्योर हो गई, उस पर जो टैक्स इट एप्लीकेबल होगा, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कहा, आपको जो एग्जेम्पशन की एलिजिबिलिटी, वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके बाद यू टेंड टू गेट टैक्सेबल। सो आपकी एग्जेम्पशन 3 साल की होल्डिंग है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए स्कीम में वो बताया हुआ है। 1 लाख तक आपको मैंने पहले बताया कि यू हैव अ स्पेशल एग्जेम्पशन बेसिकली, लेकिन रिडेम्पशन विल बी ट्रीटेड एज लाइक यू हैव सोल्ड देम, और जो भी उसकी होल्डिंग पीरियड को देखते हुए वैसे टैक्स लगेगा, और एग्जेम्पशन वही मिलेगी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं प्रतीक जी कि आपको भी आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। हमारे साथ नांगिया एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर राकेश नांगिया जी बने हुए हैं। राकेश जी, एक सवाल ना अमरजोत सिंह ओब्राय ने हमारे से फेसबुक पे पूछा है, ये आपकी राय जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको उम्मीद है कि इस बार के टैक्स स्लैब्स पे कुछ बदलाव हो सकता है इंडिविजुअल्स के? जी, इंडिविजुअल टैक्स लैब्स में, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि 5% से सीधा 20% पे, तो कुछ बदलाव की कुछ राहत की उम्मीद करें इस बार। मैंने शुरू में भी ये कहा कि इस साल की रिलीफ जितनी आनी थी वो इन द मंथ ऑफ फरवरी के इंटरिम बजट में आ चुकी है, और हमें एक साल में 2x रिलीफ नॉर्मल कोर्स में नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और स्पेशली जबकि इस साल के 3 महीने निकल चुके हैं, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कॉम्प्रोमाइज है, करंट अकाउंट डेफिसिट कॉम्प्रोमाइज है, पिछले साल 60,000 करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है, गवर्नमेंट ने कम टैक्स रेज कर पाई है, इस साल का बजट, गवर्नमेंट को एक्सपेंशन प्लान, सोशल प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, गवर्नमेंट नीड्स मनी अलॉट। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन, गवर्नमेंट टू गिव रिलीफ अगेन इन 1 ईयर 2x टू एनी सेक्टर, इट सीम्स टू बी लेस चांस। सॉरी, मिलेगा अच्छी, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अब एक साल में 2 बार क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? अब ये भी सोचिए, आपकी इनकम 2.5 लाख से सीधा 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हुई है, इट्स 100% जंप सिंस इंडिपेंडेंस। टिल लास्ट ईयर यू वेर 2.5 लाख, इन 1 ईयर फ्रॉम 2.5 लाख आप 5 लाख में पहुंच रहे हो, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो आई थिंक बड़ा इजी नहीं है। आप गवर्नमेंट की सीट पे बैठेंगे, आई थिंक इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर मैं आम व्यक्ति के हिसाब से बात करूं तो ये दिल मांगे वाली मोर वाली ही सिचुएशन हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि बजट आने वाला है, तो ऐसे में टैक्स पेयर्स जो है वो यही चाहते हैं कुछ ना कुछ
राहत जो है वो उन्हें मोदी सरकार 2.0 से जरूर मिले, लेकिन अगर हम कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो उस मोर्चे पर आपको क्या लग रहा है, इस बार कुछ उम्मीदें दिख रही है कॉरपोरेट टैक्स में होने की? कॉरपोरेट टैक्स हिस्टोरिकली देखिए, व्हेन दिस गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में, गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं कॉरपोरेट टैक्स से 30% से लेकर 25% तक ले आएंगे। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट 30% से 25% में कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर लिया है, जो कि जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम का पिछले साल में। यू बी सरप्राइज, 98% to 99% कंपनीज गेट दिस रिलीफ, जिनका 25% टैक्स आ जाता है, जो कि जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। तो बची कौन सी, 1 या 1.5% कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है और उनको टैक्स आपको 30% देना पड़ रहा है। बट इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी चाहिए ग्लोबली, क्या ग्लोबली ये कंपनी 1% 2% है, ये बहुत ज्यादा टैक्स पे करती है। मैं फिगर बताना चाहूंगा आपको जी। कि हमारे देश में 8 लाख कंपनीज हैं, राइट, केवल 100 कंपनी 40% टैक्स पे करती हैं, 8 लाख कंपनी में से, राइट। और इस समय हमारे पास ओनली 7,000 कंपनीज रह गई हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा की है, राइट। और इस समय क्या गवर्नमेंट के पास कोई फिस्कल स्पेस है इनका रिड्यूस करने के लिए? गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था, दे फॉल्टर्ड बिकॉज दीज कंपनीज विच आर लेफ्ट आर पेइंग वेरी हाई टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड इट शुड बी रिड्यूस। व्हाई शुड बी रिड्यूस, आई मस्ट टेल यू, कॉर्पोरेट इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस इसमें वेरी सीरियसली। ग्लोबली कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहे हैं, आप देखेंगे US में इट हैज कम डाउन टू 21%, UK में है 17%, और फॉरगेट अबाउट अदर कंट्रीज, सिंगापुर, ये सबको हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इन कंपनी जो हैवी टैक्स पे कर रही हैं, दे डू वांट कि यस, उनका प्रॉफिटेबिलिटी इज अंडर चैलेंज, कैश फ्लो इज अंडर चैलेंज, कि ये टैक्स रेट इनका कम किया जाए। लेकिन मेरा इधर भी आपके पास बताऊँ वही सेम जवाब आता है, जब यही कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है, कैन दे एक्चुअली गवर्नमेंट डू इन दिस ईयर? इन दिस ईयर द बजट इज ओनली फॉर 9 months, यू हैव अ चैलेंज फॉर द होल ईयर रेवेन्यू कलेक्शन, 3 months आर गॉन, 3 months आर लॉस्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत अच्छी विशुअल थिंकिंग है, द गवर्नमेंट नीड लॉट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, व्हेन दे आर एबल टू फाइंड अदर रिसोर्स बिल्डिंग मेजर्स, कि मैं बाकी रिसोर्स कर लूंगा, तभी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कोई राहत को एक्सपेक्ट करें इस बजट में। और गवर्नमेंट के पास इसमें कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है। इन अ मंथ ऑफ इंटरिम के टाइम बहुत बड़ी कंपल्शन थी, दे रिवॉर्डेड एवरीबॉडी, सो नॉट टुडे गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इजली रिवॉर्ड इन माई ओपिनियन। कहा जाता है कि बजट से माफ कीजिए चुनावों से पहले जो बजट आता है वो एकदम लोकलुभावन बजट होता है, लेकिन इस वक्त जो है गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी की बात करेंगे तो ये दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है। खैर, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हुए हैं ईमेल के जरिए। आया हुआ एक सवाल प्रशांत कुमार का, इंदौर से इन्होंने अपना एक सवाल भेजा है हमारे लिए। ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 7 से 8 म्यूचुअल फंड स्कीम में 14 लाख रुपए का निवेश किया हुआ और ये अब अगले साल जो है दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये भारत में अपनी SIPs तो जारी रखना चाहते हैं और इसके साथ ही जितना भी इन्होंने निवेश किया हुआ है वो अपनी पत्नी के नाम पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या टैक्स के मोर्चे पर इनको कुछ फायदा होगा अगर ये पत्नी के नाम पर निवेश को शिफ्ट कर देते हैं? इसमें दो चीज लग आती है। पहली चीज, आप क्या अपनी ये म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट है अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या किसी तरीके का गिफ्ट टैक्स या एनी फॉर्म ऑफ टैक्स, अब गिफ्ट टैक्स तो नहीं है, कोई लगेगा? आंसर इज नो। बट व्हाट हैपेंस कि आप जब अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन ये कर रहे हैं, है, तो उस केस में उसकी कोई भी इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम में जुड़ी जाएगी, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन रिलीफ कहां पर मिलेगा आपको, अगर ये फिगर आपने फैक्चुअली सही फिगर जो आप बोले मेरे पास है, आपकी आउट ऑफ कंट्री आप चले भी जाते हैं, आपको बेसिक एग्जेम्पशन इतनी ज्यादा मिलेगी जो आपको मेरे ख्याल से उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी टैक्सेबिलिटी फिर भी नहीं की नहीं रहेगी, मिल रहेगी। तो वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं कि आपको टैक्स बचेगा, आंसर में नॉट नेसेसरी बी देयर, क्योंकि वो फिर भी आपकी इनकम में जुड़ेगा। तो देन इट डजंट मेक एनी सेंस टू ट्रांसफर इट अनटिल अनलेस टैक्स इज नॉट ऑब्जेक्टिव, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यस यू वांट टू ट्रांसफर टू वाइफ, तब दूसरी बात है। लेकिन टैक्स सेविंग के लिए आपको कोई इसमें राहत, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, तो प्रशांत जी उम्मीद जो है वो यही है कि आपको शायद राहत नहीं मिलेगी। खैर, एक सवाल और शामिल करते हैं। भोपाल से हमारे पास आया हुआ संजीव दयाल का। संजीव दयाल बताते हैं कि इनके पिता के जाने के बाद इनका म्यूचुअल फंड्स में जो भी पिता का निवेश था वो इनको मिल चुका है। 10 लाख रूपये का करीब निवेश इनके पिता ने किया था जो अब 15 लाख हो चुका है। इनमें से कुछ यूनिट्स जो है ये अपनी बहन को ट्रांसफर करने चाहते हैं, तो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या है? क्या इस पर कुछ टैक्स भी इन्हें भरना पड़ेगा? लॉ क्लियरली कहता है व्हेन यू आर गिफ्टिंग कोई भी चीज टू योर क्लोज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डिफाइंड है लॉ में, और इस केस में आप अपनी सिस्टर को देना चाहते हैं और सिस्टर इज ए डिफाइंड रिलेटिव अंडर द लॉ, तो आप बिल्कुल पूरा अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, राइट? तो आपके पास ये 15 लाख है, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, आपको किसी तरीके से कोई भी बनी है। और ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका प्रोसेस होता है कि कैसे ट्रांसफर होगा। आपको यही देखना चाहिए कि इट शुड नॉट बी टेकन एज अ मैच्योरिटी, देन यू मे लूज दैट गेन। इफ इट कैन बी ट्रांसफर्ड और नेम कैन बी एडेड, कुड बी अ बेटर वे रेदर देन शोइंग एज अ मैच्योर्ड और फिर उसको अपने नाम से, उनके नाम से ट्रांसफर कर दें। तो ट्राई टू सी दैट, आई डोंट वॉन्ट कि अगर कोई आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिल रहा है, यू शुड नॉट लूज द ग्रोथ इन द इन्वेस्टमेंट, वो आपको लूज नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपको। जी, इनकम टैक्स जो है आपको किसी तरह का नहीं भरना होगा। संजीव जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी दुविधा का जवाब जो है वो मिल गया होगा। खैर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी राकेश जी, चूंकि LTCG जब से आया है बहुत से लोगों को ना परेशानी भी होने लग गई है। अब तक जो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते थे उन्हें लगता था कि किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, LTCG ने थोड़ा सा लोगों को परेशान कर दिया। तो इस परेशानी से आपको क्या लगता है कि इस बजट में कुछ निजात मिलेगा या LTCG जारी रहेगा? क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, LTCG में थोड़ा सा एक साल लास्ट ईयर का बैकग्राउंड बताता हूँ। जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें मार्केट वॉज बूमिंग, एंड आई रिमेंबर फाइनेंस मिनिस्टर गिविंग अ स्टेटमेंट कि जब आप इतना पैसा कमा रहे हो, उन्होंने लगाई थी कि कैपिटल गेन पूरी मार्केट में 3-4 लाख करोड़ का कितने का आया था, तो मेरा राइट है मैं आपसे 10% उसमें ले लूँ। उस एनालॉजी से FM ने आपके LTCG लगाया था, शेयर्स पर लगाया था। ना उस चीज को देखते हुए अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मार्केट बढ़ी नहीं, कोई गेन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट में टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 20 कि उनको इसी में टैक्स मार्केट बढ़ी नहीं, तो वो टैक्स का गवर्नमेंट को CSC डेफिसिट आया। टेक्निकली उस चीज को लाने के बाद कोई गवर्नमेंट को मेजर गेन नहीं हुआ, लेकिन इस समय भी जो मार्केट है, आई शुड वेनिला इंडेक्स पर मत जाइए, वाइड स्प्रेड शेयर्स पर देखेंगे, लॉट ऑफ स्टॉक्स आर स्टिल अंडर स्ट्रेस विच आर नॉट गेटेड, एंड इस समय गवर्नमेंट शुड बूस्ट द मार्केट। इट विल बी, गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं मिला लास्ट ईयर, so then it will be a proactive step in my opinion to for the stock market, for the fund gaining confidence actually in the market, giving an opportunity to the investor to put in more money. Government must consider that. Lekin ek cheez main dono side ko dekh kar bolta hu, the government should have a stable reply. Ek saal to wo kehte hai ki main pehle tax hi tha, phir tax laga diya, phir tax ko nikalenge. Government ki ye philosophy nahi hai ki itni jaldi ye change karenge. तो मैं अगर सोचूं आपकी साइड से आकर कि क्या ये हटना चाहिए, आंसर इज यस, इट शुड गो अवे, इट हैज नॉट गिवन रेवेन्यू, इट विल हैव अ मोर मेजर एडवांटेज। क्या गवर्नमेंट अपना फिकल माइंड दिखाएगी कि मैं इतनी जल्दी लॉ ला रही हूँ चेंज कर रही हूँ? आंसर, गवर्नमेंट का क्लियर फिलोसफी है, दे विल नॉट गो बाई दीज टेम्परमेंट्स एंड दे विल नॉट चेंज द लॉ सो फ्रीक्वेंटली। यानी कि इस मोर्चे पर भी शायद राहत मिलने की उम्मीदें जो है वो कम नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से जुड़ी अपनी उम्मीदों को बताने के लिए और उसके साथ साथ हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी देने के लिए। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही।